कथा पंदर। जटायु ने मुलाकात। थोड़ा दिवस चित्रकूट पर रोकाई ने राम लक्ष्मण सीताए पोतानो प्रवास शुरू कर्यो। घनघोर जंगल, गीच झाड़ी वच्चे संभळाता प्राणियों ना अवाज, साप अने अजगर जेवा प्राणियों, तीक्ष्ण कांटाओ थी छवायेली जमीन, आ बद्धी परिस्थिति नो सामनो करता करता दुखी थया वगर तेओ प्रसन्न मने प्रवास करता हता। क्यांक बे चार दिवस तो क्यांक एक बे महीना रहीने तेओ दक्षिण तरफ आगळ वधवा लाग्या। सौथी पहला अत्रि ऋषिनो आश्रम आव्यो। अत्रि ऋषि अने महापवित्रता अनसुयाना दर्शन कर्या। ऋषि ने खूबज आनंद थयो। सती अनसुयाए पोताना कपाळ परनो कंकु लईने सीता ने चांदलो कर्यो अने कदीज मेला न थाय एवा दिव्य वस्त्र भेट आप्या। उपरांत एवी पुष्प माळा आपी जे कदी कर्माय नहीं, अने आ माळा पहेरवाथी राक्षस नजरे चढ़े तो पण भय ना लागे। अत्रि ऋषिना मंगल आशीर्वाद लईने तेओ आगळ निकळ्या। थोड़ा आगळ गया त्यां तो पाछळथी विराध नामनो अति बलवान राक्षस दौड़तो आव्यो अने सीता ने उपाड़ी गयो। सीताए चीस पाड़ी, बचाओ बचाओ, दुष्ट राक्षस मने उपाड़ी जाय छे। रामे तरत ज पाछळ फरीने जोयु तो ना मळे सीता के ना मळे विराध। सीता ने उठावी ने विराध गति थी भाग्यो हतो। लक्ष्मणे बाण छोड़ियो। आसपास ना वृक्षों कड़ड़भूस थईने तूटी पड़या अने सामे ज विराध देखायो। लक्ष्मणे तेने युद्ध माटे ललकार्यो। सीता ने बाजू पर मुकीने विराध तेना तरफ धसी गयो। ते तेओने खाई जवा इच्छतो हतो। रामे चपळताथी तेना पर बाण छोड़या अने ए भेगुं तेनुं माथुं धड़थी जुदुं थई गयुं। आम रामे विराधनो वध कर्यो। राम लक्ष्मण अने सीता शरभंग ऋषिना आश्रममां पहोंच्या। शरभंग ऋषिनुं आखुं शरीर रक्तपित्तना रोगथी सड़ी गयुं हतुं। रामने जोता शरभंग ऋषिने आनंद थयो। तेमणे प्रेमपूर्वक रामनी पूजा करी। रामे प्रसन्न थईने ऋषिने कह्युं, हूँ तमारे माटे गरम पाणीना कुंडनुं निर्माण करूं छुं। एमां स्नान करवाथी तमारो रक्तपित्तनो रोग बिल्कुल निर्मूळ थई जशे। ए प्रमाणे गौतमी नदीने किनारे बाण मारीने रामे गरम पाणीनो कुंड रच्यो। एमां स्नान करवाथी शरभंग ऋषिनी काया सुंदर बनी गई। आ रीते रस्ते चालता दुखीओना दुख हरता राम लक्ष्मण अने सीता आगळ वधता हता। लोकोना धन्यवाद पामता हता। केट केटला जंगलो विंध्या पछी अगस्ती मुनिनो आश्रम आव्यो। आश्रममां वेद अध्ययन चालू हतुं। वातावरण प्रसन्न हतुं। वेल वृक्षो फळ फूलोथी लची गया हता। सर्वत्र सुगंध प्रसरी रही हती। आश्रमनी बहार राम आव्या छे एवा समाचार शिष्योए अगस्त्य मुनि ने आप्या। राम आव्या छे ए शब्दो सांभळता ज अतिशय तत्परताथी मुनि रामनुं स्वागत करवा बहार आव्या। राम लक्ष्मणे तेमने दंडवत प्रणाम कर्या। ऋषि पत्नीए सीतानुं स्वागत कर्युं। आश्रममां आवीने ऋषिए रामनी पूजा करी अने प्रेमपूर्वक अक्षय भाथुं, अक्षय धनुष्य, अक्षय कवच अने एक दिव्य बाण आपीने कह्युं के आज बाणथी रावणनो नाश थशे। आ रीते अहीं राम लक्ष्मणने ऋषिना खूब ज महत्वपूर्ण आशीर्वाद मळ्या। राम लक्ष्मण अने सीता त्यांथी पंचवटी तरफ निकळ्या। रस्तामां रामे एक गिद्धने जोयो। रामना मनमां शंका उत्पन्न थई, आ छे पक्षी पण पक्षीनुं रूप धारण करेलो कोई राक्षस टापीने बैठो होय तो? आ शंका रामना मनमां घर करी गई। एथी गिद्धने मारवा माटे रामे धनुष्य पर बाण चढ़ाव्यो। पण त्यां तो गिद्ध मनुष्यनी वाणीमां पूछवा लाग्यो, आप कोण छो? विना कारण मने शुं काम मारवा उठ्या छो? रामे जवाब आप्यो, हुं दशरथ राजानो पुत्र राम छुं। राम? राम पोते मारी सामे छे? हुं खरेखर भाग्यशाळी छुं। राम, तने मळीने मने खूब आनंद थयो। राम, हुं अरुण पुत्र जटायु छुं। तारा पिता राजा दशरथ ने शुक्राचार्य साथेना युद्धमां मैं खूब मदद करी छे। त्यारथी राजा दशरथ मने भाई समान मानवा लाग्या।
આ સાંભળીને રામે જટાયુને પોતાની પાસે લીધા. જટાયુની મદદથી પંચવટીમાં ઝૂંપડી બાંધી અને ત્યાં જ નિવાસ કરવો એવું વિચાર્યું. સીતાને પણ એ જગ્યા પસંદ પડી. નવનીત. સંકટમાં ધીરજથી સામનો કરવો અને દુષ્ટોથી સજ્જનોનું રક્ષણ કરવું એ રામનો વિશેષ ગુણ હતો.